वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नंबर। आज हम लोग सीखेंगे कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली मन में फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइप है टाइप वन, टाइप वाइज हम लोग इसको देखेंगे। टाइप वन, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद फाइव। जो नंबर फाइव से एंड होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25, 25 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आप डिटेल में समझ लीजिए, कंसेप्ट एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तब आप विदिन सेकेंड आंसर कर पाइएगा। लेसन 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, दैट इज 25, एंड 2 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 का के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 3। 2 इंटू 3 कितना, 6, और 5 का स्क्वायर 25। So, square of 25 is 625. Listen, आपको अगर find out करना है 65 का square, square of 65, 65 का square लेते हैं, 5 का square क्या होगा, 25, square of 5 is 25, और 6 को किससे multiply करेंगे, next digit से, 6 के बाद next digit क्या आएगा, 7, 6 into 7, that is, your answer is 4225. Suppose that आपको फाइंड आउट करना है 125 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 को बात कर रहे हैं। आपको क्या लिखना होगा, 5 का स्क्वायर 25, एंड 12 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 से, 12 इंटू 13, और 12 इंटू 13 क्या होगा, 15625. सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 625. 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 4 12 25. 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 इंटू 10 करेंगे, 90 25. 75 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 56 25. स्क्वायर ऑफ 45 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 4 इंटू 5 20, यानी 2025 इज द स्क्वायर ऑफ 25। तो आप इजली समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको स्क्वायर ऑफ नंबर नियर अबाउट 10, स्क्वायर ऑफ नंबर नियर अबाउट 10। लेसन 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको एकदम रिमेम्बर होना चाहिए, याद होना चाहिए, और आपके दिमाग में विदिन सेकेंड आना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही कम से में कैलकुलेशन कर पाइएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एडवाइस है आप इसको मजब कर लें। हम लोग देखने जा रहे हैं 50 के नियर अबाउट, मोर देन 25 एंड लेस देन 25 जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, पहले वो डिटेल में जाएंगे फिर भरवली करेंगे। लेसन स्क्वायर ऑफ 42, 42 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेसन आपको क्या देखना है कि 50 से 42 कितना लेस है, 50 से 42 कितना लेस है। 50 माइनस 42 डेट इज 8, और जितना लेस होगा उसका डिफरेंस, यानी 50 और 42 का डिफरेंस का आपको अगर ना स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर डेट इज 64, डेट इज 64। और नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है कि 25 से 42 कितना मोर है, यानी कि टेक डिफरेंस ऑफ 42 एंड 25, 25 से कितना ज़्यादा है ये, और देख लो 25 प्लस 15 40 या प्लस 2 17, यानी कि 42 माइनस 25 डेट इज 17। सो माय डियर फ्रेंड, स्क्वायर ऑफ 42 इज 1764, यानी कि आपको चेक करना है कि 50 से कितना लेस या मोर है,
50 से कितना लेस या मोर होगा वो जो डिफरेंस आएगा उसका आपको क्या करना है स्क्वायर, और 25 से इतना मोर होगा वो आपको लिखना है। आपको एक और पॉइंट फोकस करना है कि राइट साइड में स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 2 डिजिट में होगा, कितने डिजिट में, 2 डिजिट में होना चाहिए। सो कुछ और स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर ऑफ 36, स्क्वायर ऑफ 36 माय डियर फ्रेंड्स 36 जो है 50 से कितना लेस है 14, 14 का स्क्वायर कितना 196 196, एंड 25 से कितना मोर है, 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से 11 मोर है। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि राइट हैंड साइड में जो टर्म होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, राइट हैंड साइड में वो टर्म होना चाहिए 2, और अगर यहाँ पर कितना है 3, एक ये 1 है कैरी फॉरवर्ड होगा प्लस 1, यानी कि 1 को ऐड कर देंगे 1296, ये स्क्वायर ऑफ 36। नेक्स्ट समझते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 50 से कितना ज्यादा है 2 मोर है, आपको 2 का स्क्वायर कर देना है स्क्वायर ऑफ 2। नेक्स्ट आपको देखना है 52 25 से कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 25 और 52 का डिफरेंस कितना आएगा 27, आपको लिखना है 27। माय डियर फ्रेंड यहां पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और 50 के अप्रोक्स जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें राइट हैंड साइड में जो नंबर आएगा जो डिजिट आएगा वो 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर 3 डिजिट्स में है 4 डिजिट में है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा रेस्ट डिजिट, और अगर 1 डिजिट में आ रहा है उसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं 04, 4 को क्या लिखेंगे 04, 2 डिजिट्स पाएंगे इसको 2704 स्क्वायर ऑफ 52। बहुत ईजी कंसेप्ट है, आपको लिटिल बिट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही इजीली कर पाइएगा। लेसन स्क्वायर ऑफ 48 का स्क्वायर कितना होगा, 50 से कितना लेस है 2 लेस है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 डिजिट होना चाहिए तो 04 बोलेंगे, और 25 से कितना ज़्यादा है 23 तो 2304 इज राइट आंसर। सपोज डाउट आपको फाइंड आउट करना है 41 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 41 लेस है 50 से कितना लेस है 9 लेस है तो 9 का स्क्वायर 81 बोलेंगे, और 25 से 41 कितना मोर है 16 तो 1681 इज राइट आंसर, स्क्वायर ऑफ 41 इज 1681। सपोज डेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं 58 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 50 से 58 कितना मोर है 8 मोर है, स्क्वायर ऑफ 64 लिखेंगे, एंड 25 से 58 कितना ज़्यादा है वो आपको देखना पड़ेगा, 25 प्लस 8 यानी कि 33364 इज योर आंसर। स्क्वायर ऑफ 51 कितना होगा, 51 50 से कितना मोर है 1 मोर है ना, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे बट 2 डिजिट होना चाहिए इसलिए हम लोग कितना लिखेंगे 01, और 51 26 से 25 से कितना मोर है 26, दैट मीन्स योर आंसर इज 2601। सो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही इजीली कर पाइएगा। सिंप्लीफिकेशन में, मैथमेटिक्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कहीं पर भी रेंडम इस तरह का टर्म आता है, अगर आप क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ नंबर्स को समझ पाते हैं इन दैट केस तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाइएगा, यानी कि आपका टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर ऑफ नंबर नियर अबाउट 100 के नज़दीक का जो नंबर है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और सेम कंसेप्ट है, लगभग सबसे पहले पहले देखेंगे लेस देन 100 नंबर लेस देन 100 से लेस जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। लिसन सपोज दैट आपको निकालना है 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर 98 100 से कितना लेस है वो आप देखिए, तो 98 100 से कितना लेस है 2, तो 98 माइनस 2 करते हैं, 98 माइनस क्या करेंगे 2, और
2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, बट राइट हैंड साइड में ऑलवेज 100 के नजदीक का जो नंबर रहेगा, नियर अबाउट 100 स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑलवेज यहां पर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर 1 डिजिट नंबर आ रहा है तो 0 लगाएंगे, और अगर 3 डिजिट नंबर आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे रेड डिजिट को। आइए समझते हैं, 2 का स्क्वायर कितना, 4 लिखेंगे, 04 और 98 माइनस 2 96 9604। सपोज दैट आपको कन्वर्ट करना है 88 का स्क्वायर, 88 100 कितना ले सकते, 12 ले सकते, 12 का स्क्वायर 144 लिखेंगे और 98 माइनस क्या करेंगे 12, सॉरी 88 मींस 88 माइनस 12 और 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 88 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 88 माइनस 12 76। माय डियर फ्रेंड्स, ये 1 को यहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो भी राइट हैंड साइड में ऑलवेज कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट, 2 डिजिट होना चाहिए। ये 1 यहां पे कैरी होगा यानी 7744 a द स्क्वायर ऑफ 88। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सपोज दैट आपको 96 का स्क्वायर निकालना है तो 96 100 से कितना ले सर, 4 ले सर, 4 का स्क्वायर 16, 96 माइनस 4 कर दो 92 यानी 9216 इज योर आंसर। 94 का स्क्वायर निकालना है, 94 100 से कितना ले सकते, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 94 माइनस 6 करेंगे दैट इज 88836 इज योर आंसर। 92 का स्क्वायर कन्वर्ट करना है, सपोज दैट 92 कितना लेस है 8 लेस है, 8 का स्क्वायर कितना 64 और 92 माइनस 8 कीजिएगा 84 आएगा यानी 8464 इज योर आंसर। बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर मोर देन 100 से ऊपर का जो संख्या है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और एग्जैक्ट लेसन। 112 का सपोज डेट आपको स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, आप देखो कि ये 100 से कितना मोर है, वहां पर लेस था तो माइनस किया, ये मोर है तो ऐड करेंगे, 12 मोर है तो 12 का स्क्वायर लिखोगे और 12 ऐड कर देंगे, 112 प्लस 12 ये कितना आएगा 144 और ये कितना आएगा 124। माय डियर फ्रेंड्स, 100 के नियर अबाउट जो कैलकुलेशन हुआ उसमें ऑलवेज राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स होना चाहिए, यानी कि ये जो 3 डिजिट्स है जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस पर ऐड करेंगे 12544 इज ए स्क्वायर ऑफ 112। नेक्स्ट देखते हैं 116 का स्क्वायर क्या होगा, तो 116 में का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 116 100 से कितना मोर है 16 मोर है, 16 का स्क्वायर कितना 256 एंड 116 में 16 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 116 में जब आप 16 ऐड करोगे ये आएगा 132, बट यहां पे 2 डिजिट होना चाहिए इसलिए 2 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड, 132 प्लस 2 के ऐड करेंगे 13456 योर आंसर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज दैट आपको 107 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे 7 का स्क्वायर 49 और 107 में 7 ऐड किया 149 इज योर आंसर। 109 का स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो 9 का स्क्वायर 81 और 109 में 9 ऐड किया तो 118 81 इज योर आंसर। 113 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 लिया 1 कैरी होगा तो 2 डिजिट होता है, 13 में 13 ऐड किया तो 126 और प्लस कैरी वाला 127 69 इज योर आंसर। 125 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 का 25 लिया 6 कैरी और 25 में 25 ऐड किया तो 150 और 6
15625 is your answer. Suppose that आपको 132 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे आपको 32 का स्क्वायर पता होना चाहिए. 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024. राइट हैंड साइड में कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है, यानी 10 का ही होगा. अब 132 प्लस 32 की तरफ 164, 10 ऐड कर दिया, 174 और 30, 174, 2024 इज योर आंसर. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इजी कांसेप्ट है. नेक्स्ट कांसेप्ट हम लोग बात करते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच का नंबर अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर किस हंड्रेड्स के नजदीक का है. लिसन, सपोज दैट आपको फाइंड आउट करना है 300 4 का स्क्वायर. इसमें लिटिल बिट कैलकुलेशन दे सकता है. 304 का स्क्वायर जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और देखो 304 में हम लोग क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे. बट थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ये भी करना पड़ेगा 304 में 4 ऐड कर दिया और देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किस 100 के नजदीक का है. 300 के नजदीक का नंबर है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये 400 के नियर अबाउट होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 800 के नियर अबाउट होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते. माय डियर फ्रेंड, इस पे ऐड कर देते हैं हम लोग, ये आ गया 308 * 3 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 डिजिट्स ही होगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 * 3 = 900 और 8 * 3 = 24, 924 16 इज योर आंसर. नेक्स्ट समझते हैं. सपोज दैट 805 का स्क्वायर निकालना है. 805 का स्क्वायर निकालना है, आपको क्या करना है, कितना मोर है, 5 मोर एट है, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है. स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. और क्या करना है, 805 में आपको 5 ऐड कर देना है, ये आ जाएगा 810. और ये नियर अबाउट कहाँ है, 8 का. 810 × 8 करोगे, 810 × 8 क्या होगा, 8 8 = 64 64 10 × 8 80, यानी 6480. लेसन एक बार फिर समझते हैं. 805 में 5 * 8 = 10 इंटू ये 802 नियर अबाउट है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 80 25 इज योर आंसर. यानी कि स्क्वायर ऑफ 805 64 8025 आएगा. इसी तरह से आप लास्ट टाइप है इसमें स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन थाउजेंड. अगर थाउजेंड से लेस नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें. माय डियर फ्रेंड, 10 में 1 0 होता है तो वहां पे राइट हैंड साइड में 1 digit होगा. 100 में 20, राइट हैंड साइड में 2 digit होगा. और 1000 में 3 digit होगा, 30 होता है तो राइट हैंड साइड में 3 digit होगा. लिसन, सपोज दैट आपको 998 का स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर ऑफ 998 आपको क्या देखना है, 998 का स्क्वायर जो फाइंड आउट करना है तो आपको जो चेक क्या करना है, 1000 से ये कितना लेस है, 998 इंच थाउजेंड से कितना लेस है, 998 थाउजेंड से कितना लेस है, 2. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4. बट राइट हैंड साइड में कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट, इसलिए हम लोग 4 लगाएंगे, 004 लिखेंगे. और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 6 = 004 इज योर आंसर. बहुत ही इजी कांसेप्ट है. लिसन, सपोज दैट आपको निकालना, फाइंड आउट करना 94 का स्क्वायर, 994 का स्क्वायर क्या होगा, 1000 से 994 कितना लेस है, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, बट 3 डिजिट होना चाहिए तो 036 लिखेंगे. और 994 में से 6 को माइनस कर देंगे, 994 में से 6 को जो माइनस करेंगे ये आएगा 988. तो 988036 इज योर आंसर. 994 का स्क्वायर क्या होगा.